मेहंदी तो मेरी तो घर में ही थी और बारात हॉल में। तकरीबन 4.5-5 लाख तक टोटल खर्चा हो गया खाने और हाल पे। हमारे तीन फंक्शन हुए थे। खाने पीने के मेजर एक्सपेंस होता है, खाने का आप कर लें और डेकोर 15 लाख, इज अराउंड 44-45 लाख। बारात पे 6 के करीब डेकोर था और खाना आई थिंक 11 के करीब था। और वलीमे में भी इट वाज द सेम। ज्वेलरी का भी मतलब वाज अराउंड 50-60, वो भी क्योंकि बात पकी जनवरी में हुई थी, तब से अब तक का टाइम था तो ओवर टाइम हम बना रहे थे साथ साथ। अब ज्वेलरी हमने रिसेंटली थोड़ी बनाई, ज्वेलरी तो हमारे अम्मी अब्बू ने पता नहीं कितनी पुरानी बनाई, तब गोल्ड का रेट और था, अब गोल्ड का रेट और है। वो मेरा कैलकुलेटर वहीं स्टक हो जाता है क्योंकि अगर आप करंट रेट पर जाएँ तो आई थिंक 30-35। लेबर पर तो कोई लड़ाई नहीं करनी पड़ी, वो बस आपस में मिलके हमने कर लिया था। ये है कि शादी के बाद मुंह दिखाई पे थोड़ा समय लेते हैं हमारी तरफ से तो लेबर वगैरह का, क्योंकि ना हमने जेज की डिमांड की थी और ना इन्होंने फिर जेवर की डिमांड की। कपड़ों पे जाएं तो 5-6 आपका जो इवेंट्स के जो मेन आपके कपड़े हैं वो, उसके अलावा जो आपके जैसे लड़की के कपड़े बनाए जाते हैं तो उसके भी आप आई थिंक 5-6 अलग कर। मेन जो ड्रेस होता है 200, वो तो बना हुआ 35,000। मैंने तो कम से कम कोशिश की कि हो, बाकी ड्रेसेस मैंने कम लिए थे, कम से कम लेकिन अच्छे लूँ, और 10 जो है वो शूज़ का कर लें तो 60 हो जाए। 18 हम दोनों के थे। मैं ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहती थी किसी को, मैंने अपनी फ्रेंड को भी, किसी भी फ्रेंड को अभी तक नहीं बताया, बिकॉज मुझे था कि मैं किसी को भी बताऊंगी तो अगला बंदा कहेगा कि ये पागल है इतने पैसे लगा रही है। बट इट वॉज अ मिलियन आई थिंक फॉर बारात ओनली 1 ड्रेस। तो रूम की चीज़ें थी ज़्यादा 2 लाख उसका था, उसके अलावा किचन का थोड़ा बहुत सामान था, वो होगा 50,000। कमरे में अगर आप सिर्फ रफली फर्नीचर का करें तो ऑलमोस्ट 5, और उसके अलावा छोटी छोटी एक्सेसरीज जैसे हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मतलब आई थिंक आप उसको टोटल 10 कर ही लें। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि लाइक ब्राइड अपना सेटअप सारा खुद करती है, तो मैंने अपना पूरा रूम अपने मुताबिक खुद सारा सेट किया था, वो भी आई थिंक 1 मिलियन से ऊपर ही। असल स्टोरी ये है कि जब हमारी बात हुई ना, हमारा निकाह वगैरह हुआ तो ये हमारे घर रही, तो अबू ने कहा कि शादी करो ख़त्म करो, ये लंबे चक्रों में ना पड़ो। तो इसलिए कहा मैंने अरमान पूरे करने अपने। इट्स जस्ट दैट देखें, शादी आपने करनी है, आप कम बजट में भी कर सकते हैं, आप ज़्यादा में भी कर सकते हैं, ये सारा आप पे डिपेंड करता है आप कितना चाह रहे हैं उस पर खर्च करना। हम चाहते थे सब कुछ सादगी से ही हो, अगर अफोर्ड कर सकते फिर भी मतलब मेरी ख्वाहिश थी कि सब कुछ सादगी से करें, प्लानिंग के हिसाब से ही जाना वो हुआ है सब कुछ, तो इसलिए सेटिस्फाइड। जो कुछ हुआ बेहतर ही हुआ है।